सो गाइस एट अ टाइम आई वॉज इन मुंबई राइट, तो मुझे क्या जाना था, गेटवे ऑफ इंडिया, वही जो ताज होटल के सामने में। तो मैं अपने होटल से निकला और गेटवे ऑफ इंडिया के लिए मैं निकला एंड गाड़ी में बैठा अपने होटल से एंड गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चला। तो जैसे मैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहा था, तो जिस रोड से हम लोग जा रहे थे, आगे जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया था जस्ट वहीं थोड़ा सा पहले वो रोड ब्लॉक था। देन हम लोग वहां तक गए एंड वो रोड ब्लॉक था, देन हमको वापस जाना पड़ा। देन हम लोग सोचने लगे कि अब हम कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए। तो हमें पता चला कि यहाँ कुछ अंदर से एक रास्ता है और वो रास्ता भी आपको गेटवे ऑफ इंडिया लेके जाएगा। देन हम लोगों ने अंदर का रास्ता लिया और गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। गाइस इस शॉर्ट स्टोरी में आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अभी भी वो जो पुराने वेज हैं फ्री ट्रैफिक के काम करते हैं, बट आपको अपनी स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है, अलग स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजी। राइट, आपने सुना होगा बहुत बार कि गोल्स हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखो, आपको रास्ते रोकेंगे तो आपको अपना अलग एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। राइट, बार बार रास्ते आपको रोकेंगे और आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वैसे अभी भी जो फ्री ट्रैफिक के वेज है वो काम करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो ब्लॉग्स पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, व्हाटएवर। राइट, वो काम करते हैं, बट हाँ उनका तरीका बदल गया है कि कैसे उनको यूज किया जाए, कैसे उनको हासिल किया जाए। इवन इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ एक सोर्स से, मतलब सिर्फ फेसबुक से कितना ज्यादा फ्री ट्रैफिक डेली 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 हासिल कर रहा हूँ और कितना इजी हासिल कर रहा हूँ। टोटली ऑटोमेशन पे है, कुछ भी मुझे काम नहीं करना पड़ता, इजी। बस आपको थोड़ा सा सेटअप करने की जरूरत होती है। और हाँ, अगर आपने मेरा लास्ट अभी जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी ईमेल मार्केटिंग की, वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, क्योंकि वो जो ईमेल मार्केटिंग की सीरीज है वो फाउंडेशन है, वो आपको जरूर हेल्प करेगी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हासिल करने में इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी, और हमेशा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग इज द बैकबोन एज यू नो। राइट, तो अब जितने भी नए मेहमान हैं, प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, बिकॉज आप लोगों की ये चीज हमारी फैमिली को ग्रो करती है और आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मैं पहुंचाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस वीडियो से लेके आने के लिए। तो गाइज बहुत जल्द हम लोगों को हिट करना है 20K, सो अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो वैल्यूएबल लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। लेट्स गो। सो माय नेम इज टीए एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक फ्री में कैसे हासिल करें और उसे अपने ऑफर पे कैसे ड्राइव करें। लेट्स गो। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि आपके पास कितने सारे वेज हैं फ्री ट्रैफिक। राइट, उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं आपको, फिर मैं दिखाऊंगा कि आप, मैं सिर्फ एक ट्रैफिक सोर्स से कितना ज्यादा ट्रैफिक ऑटोमेशन पे डेली पा रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, देखो फ्री ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बट हाँ वहां पर थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है ताकि आप सही से ट्रैफिक को अपने फनल में ला पाओ और देख पाओ कौन सा ट्रैफिक आपके लिए नहीं है और कौन सा ट्रैफिक आपके लिए यूजफुल है। राइट, तो सबसे पहले देखो आपका सबसे बड़ा एक ट्रैफिक सोर्स है, दैट इज कॉल्ड आपका फेसबुक। ठीक है, सबसे नंबर वन पे कोई भी मार्केटर हो वो कभी ना कभी फेसबुक से ट्रैफिक जरूर उठाया है, बिकॉज अनलिमिटेड ट्रैफिक है। राइट, और अभी भी लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं भरोसा करते हैं तो वो फेसबुक पे करते हैं। सो गाइस जो दूसरा आपके पास ट्रैफिक वे है वो है YouTube। ठीक है, YouTube पे भी आजकल बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, पहले इतना ज्यादा नहीं थी बट अभी के समय में YouTube पे भी बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, मतलब कि YouTube पे ट्रैफिक को फनल में ड्राइव किया जाता है। देन आपको पता ही है जो मैंने ईमेल मार्केटिंग में आपको बताया था कि कैसे सिस्टम पूरा काम करता है। राइट, तो वैसे किया जाता है। देन उसके बाद आपका आता है Pinterest में आज भी लोग डेली के लाखों का ट्रैफिक पा रहे हैं। सब गाइस क्यों बता रहा हूं आपको, आगे बताऊंगा क्यों ऐसा हो पा रहा है और आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद होगा क्यूरा के बाद है आपका ब्लॉग्स के बाद है आपका इंस्टाग्राम। राइट, इंस्टाग्राम, सॉरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी सुंदर है इसलिए। और उसके बाद है आपका लिंक्डइन। ठीक है, और लिंक्डइन के बाद आपका एक और ट्रैफिक सोर्स है, दैट इज कॉल्ड स्नैपचैट। बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल वो भी, और स्नैपचैट के बाद एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड टिकटॉक। टिकटॉक नया नया ट्रेंड में आया, बट टिकटॉक की जो ट्रैफिक है वो उतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उतना ज्यादा हाई लेवल की नहीं है।
बट हाँ, अगर आप ई बुक सेल करना चाहते हो और कोई लो टिकट $10 $20 का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो टिकटॉक बेस्ट है आपके लिए, बिकॉज वहां पर वही लोग आपको मिलेंगे, ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, राइट। बट टिकटॉक भी एक बहुत अच्छा खासा वे है आजकल ट्राफिक का। तो लिंक्डइन हो गया, ब्लॉग हो गया, क्यूरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, आपका एक चीज और बच गया, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राम। टेलीग्राम देखो आजकल बहुत बड़ा एक हब बना हुआ है और ट्रैफिक का, राइट। तो ये कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 10 सोर्सेस हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ट्रैफिक में, राइट। देखो हर बंदा कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रखा हुआ है और उस चीज को यूज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पिंटरेस्ट पे वो आज भी डेली के लाखों और मिलियंस का ट्रैफिक डेली अपने ऊपर ला पा रहे हैं। तो गाइस इसकी वजह क्या है, देखो वाई जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये लोग ना सिर्फ एक दो ही प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। आपको मतलब करना ये है कि आपको किसी एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ना है। अगर आप फेसबुक में ज्यादा अच्छा फील करते हो, कंफर्टेबल वाली फील करते हो, तो आप फेसबुक पे पास जाओ। अगर यूट्यूब पे फील करते हो तो यूट्यूब के पास जाओ। पिंटरेस्ट पे करते हो तो पिंटरेस्ट पे जाओ। लिंक्डइन पे करते हो तो लिंक्डइन पे जाओ। इंस्टाग्राम पे करते हो तो इंस्टाग्राम पे जाओ। बोलने का मतलब ये है किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो जहां पर आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, देन उसको लेवरेज करो। देखो मैंने भी स्टार्ट फेसबुक से किया था, देन यूट्यूब, देन आपका लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और धीरे 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 मैं आगे गया, राइट। अभी मैं ब्लॉग का बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं ब्लॉग के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभी क्योरा, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ गूगल में जाके क्योरा.com टाइप करोगे तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, राइट। मैंने खोल के रखी हुई थी आपको दिखाने के लिए, सो यू कैन सी हियर, राइट। एंड ऐसे ही पिंटरेस्ट भी है। पिंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मतलब फेमस नहीं है, बट हाँ पिंटरेस्ट काफी ज्यादा यूज होता है। हाँ पिंटरेस्ट डिजिटल वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में जो ऐसे ही सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो पिंटरेस्ट भी काफी अच्छी चीज है, आप पिंटरेस्ट पे आके देख सकते हो। यहाँ पर भी ट्राफिक को लाने का बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ इमेजेस को यूज करके आप ट्राफिक यहाँ से काफी अच्छा गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो स्नैपचैट के बारे में आपको पता ही है, लिंक्डइन के बारे में आपको पता ही है, टिकटॉक, टेलीग्राम, ये सब के बारे में आपको पता ही है, राइट। तो आज जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना ट्रैफिक सोर्स गैदर कर रहा हूँ सिर्फ फेसबुक से और ऑटोमेशन पे, राइट। मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ ट्रैफिक के लिए और फेसबुक पे, ऑटोमेशन पे चीजें हो रही हैं। कैसे हो रही है, पहले मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं ऐसे से कर रहा हूँ, और आपको फिर बताऊंगा कि आप भी ऐसे से करके काफी इजी ट्रैफिक हासिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको यूज करना है फेसबुक में ट्राफिक लाने के, क्वालिटी ट्राफिक लाने के, नॉट जस्ट कुछ भी, राइट। आपको अच्छा ट्राफिक कैसे मिलेगा वो चीज मैं आपको बताता हूँ फेसबुक में, राइट। देखो यहाँ पर मेरे सेवरल ग्रुप्स हैं, राइट। आई हैव मोर देन 5 ग्रुप्स, मतलब कि हो सकता है मेरे पास 10 के आसपास ग्रुप हो, ठीक है। तो ये 10 ग्रुप में मैं दिखाता हूँ मुझे ऑटोमेशन पे ट्राफिक आ रहा है। कैसे आ रहा है ऑटोमेशन पे ट्राफिक, और क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सही से आपको मैं भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो, आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। तो लाइक करो और हो सके तो प्लीज शेयर करो, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे, क्योंकि हम लोग का जो मेन टारगेट है 20 के सब्सक्राइबर बहुत फास्ट क्रिएट करना है गाइज। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ, और जैसी भी आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक, राइट। तो अब देखो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज माई वन ऑफ ग्रुप, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो 40 रिक्वेस्ट आए हैं, और आपको मैं बता दूं ऑन एवरेज इसमें डेली के 50 60 70 रिक्वेस्ट मुझे आते हैं ऑन एवरेज। पहले बहुत ज्यादा आते थे, किसी किसी दिन और ज्यादा आते हैं, राइट। तो देखो क्या होता है, जब आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो ना, तो वहां पर आपको ईमेल सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर एक सेटिंग होती है, जो आप कर दोगे तो आपको वहां पर जो भी बंदा आपके ग्रुप में आता है तो आपको ईमेल दे के जाएगा, राइट। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, तो जो भी मेरे ग्रुप में आता है वो यहाँ पर ईमेल दे के जाता है। अगर वहां पर भी अगर उसने कोई रॉन्ग ईमेल दे दिया या मिस्टेकन कुछ हो गया, तो इसके बाद भी मैंने यहाँ पर तीन तीन फनल अटैच करके रखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मेरा यूट्यूब का चैनल भी है और यहाँ पर 2 पोस्ट और है जो अटैचमेंट पे है। तो जो भी आता है वो वहां पर फिल करता है, उससे मुझे डायरेक्ट वो मेरे फनल लिस्ट में पहुंच जाता है, मेरे ईमेल मार्केटिंग में पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ईमेल मार्केटिंग में, कि आप जो भी ट्रैफिक ला रहे हो वो दूसरों के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो। फेसबुक आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, आपकी आईडी कभी भी बंद हो सकती है, यूट्यूब भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, बट ईमेल लिस्ट जो है वो आपके पास लाइफ टाइम होने वाली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ईमेल वाला सीरीज नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस चीज को देखें, क्योंकि ईमेल के बिना आप एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल में बिजनेस नहीं कर सकते, वो बैकबोन है। तो वो चीज आप जरूर देखोगे कैसे काम करती है। तो ये पूरे लोग मुझे ऑटोमेशन पे ईमेल दे रहे हैं, डेली का 500 to 400 से ज्यादा ईमेल मुझे मिलता है। कैसे और बताता हूँ,
ये एक और मेरा ग्रुप है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1,000 लोग हैं और यहाँ 6 रिक्वेस्ट पड़े हैं, तो इसमें से भी कुछ कुछ आते रहते हैं, ठीक है। एक और मैं अपना ग्रुप दिखा दूँ, यहाँ पर आपको मेंबर्स दिखा दूँ, 21,000 मेंबर्स इसमें भी हैं, और आप देख सकते हो कि 30-35 रिक्वेस्ट आज इसमें आ चुके हैं, अभी आ चुके हैं, अभी दिन हुआ है, अभी पूरी रात बाकी है, राइट। अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, ऑलमोस्ट 100 यहाँ से भी आपको मिलेंगे। ये मेरे कुछ छोटे ग्रुप्स हैं, अभी बड़े ग्रुप्स भी हैं मेरे जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा एक बिलियनियर का ग्रुप है, और यहाँ पर आप इंगेजमेंट देख सकते हो कि 433 कमेंट्स, 5 शेयर और 400 से भी ज्यादा लाइक्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो 75,000 के ऊपर है। तो गाइज यहाँ पर भी मुझे डेली का डेली ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ से भी मैं डेली डेली ट्रैफिक ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने अपने फनल्स लगा रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स लगा रखे हैं, और यहाँ पर मुझे डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते हैं। और ये सिर्फ 4-5 ग्रुप नहीं है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसे मुझे ऑटोमेशन पे आ रहा है। गाइज किया क्या मैंने है कि जो लोग ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आपको दूसरा रास्ता ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रेटेजी ये है कि ये फेसबुक ग्रुप्स हैं, ये फेसबुक ग्रुप्स, यहाँ पर लोग आते हैं टी फॉर ट्राफिक, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में आता है, वो मुझे ईमेल देता है, वो ईमेल चले जाता है मेरे ऑटो रिस्पॉन्डर में, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोगों को फॉलो करता हूँ ईमेल्स के थ्रू, राइट। ईमेल्स के थ्रू फॉलो करता हूँ, उनको अपने ऑफर्स देता हूँ और सेल निकालता हूँ, राइट। अगर मुझे डेली 300-400 आता है, उसमें से 2-3 सेल भी होती है, तो मेरी अर्निंग $50, $100 और $150 के आसपास इजी हो जाती है, सिर्फ फ्री 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 ट्रैफिक से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो ग्रुप नहीं है इतना ज्यादा। हाँ मेरे पास भी नहीं था, मुझे टाइम लगा ग्रो करने में। अगर आज आप ग्रुप बनाते हो तो आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, या 5-6 महीने भी लग सकते हैं, या 1 साल भी लग सकता है। बट हाँ, अगर आज आप ग्रुप बना देते हो तो 3 महीने बाद उसकी कुछ सिचुएशन होगी, 4-5 ग्रुप बना दो, कोई ना कोई ग्रुप आपका ग्रो होगा, और वहां से आपको ऑटोमेटिक ट्राफिक मिलेगा। अगर आपको जानना है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ग्रुप तुरंत ग्रो नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप कैसे बनाया जाता है, उसकी एसईओ कैसे की जाती है, तब वो ग्रुप फास्टली ग्रो करता है, ठीक है। ट्रैफिक इज द गेम, हमेशा मैंने कहा है कि ट्रैफिक इज द गेम। इफ यू डोंट हैव ट्रैफिक, आप 0 रुपए बनाने जा रहे हो। अगर कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन में चाहे वो ऑफलाइन में, अगर उसके पास ट्रैफिक नहीं है तो वो 0 रुपए बनाएगा। तो ट्रैफिक आपको मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रुप्स को कैसे बनाया जाता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट करके बताओ कि आपको जानना है कि ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, कि उनका एसईओ अच्छे से हो और लोग आपके पास फास्टली आए, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, कमेंट करके बताओ। अब देखो एफबी पे जैसे ही लोग आते हैं तो मैं उनको अपने यहाँ पर ड्राइव करता हूँ और वहां से चीजें सेल करता हूँ। ये बिल्कुल ऑटोमेशन पे है गाइस, कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार ईमेल लिस्ट क्रिएट कर दी है, ईमेल ओटीपी इन पेज क्रिएट कर दिया है, लोग आते हैं, ट्रैफिक ऑटोमेशन पे आता है, खुद फेसबुक उसको पुश करता है, ट्रैफिक आता है एफबी ग्रुप में और वो यहाँ तक पहुंचता है। अगर अब आपके पास, ठीक है, अब अगर आपके पास ग्रुप्स नहीं है फेसबुक में, तो देखो यहाँ मैं दूसरों के भी ग्रुप से ट्रैफिक उठा रहा हूँ, ठीक है। ये एक फेसबुक एड्स का ग्रुप है। यहाँ पर याद है मैंने ईमेल मार्केटिंग के सीरीज में बोला था कि मैं जो अभी फनल बना रहा हूँ, वो वहां पर मैं फ्री में लोगों को फेसबुक का एक कोर्स दे रहा हूँ, फेसबुक ईबुक का, ईबुक में एक कोर्स दे रहा हूँ फेसबुक एड सेटअप करने का, ठीक है। वहां हम लोगों ने बनाया था, अगर आपने देखी होगी वो सीरीज तो आपको याद होगा, ठीक है। तो वो देखो वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, डू यू वॉन्ट अ फेसबुक एड्स कोर्स फॉर फ्री। देखो अब अगर आप स्पैम करते हो कि मैं आपको $50 कमाना सिखा दूंगा, $100 कमाना सिखा दूंगा, तो वो चीजें अब काम नहीं करती, लोगों को पता चल गया है कि वो सारी चीजें फालतू है, ठीक है। फालतू नहीं है मतलब बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में, तो जो जेन्युइन भी रहता है तो लोग उसको फालतू समझ लेते हैं, राइट। तो अब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, डू यू वॉन्ट टू फेसबुक एड्स फ्री, नो सेलिंग, नथिंग, जस्ट फ्री, 199 कॉपीज। तो देखो आपको दिख सकता है सामने कि 174 कमेंट्स आ चुके हैं और मैंने सबको रिप्लाई भी कर दिया है, और इससे सिर्फ मुझे अभी के अभी मैं बता दूं 60 से ज्यादा लीड्स मिल चुकी हैं, ठीक है। अब देखो 60 लीड में से अगर 4-5 भी लीड्स कन्वर्ट होती है और वो $50 का सामान खरीदती है, तो $200-$250 का मुझे प्रॉफिट हो जाता है सिर्फ 50 लीड से, ठीक है। अगर 2 भी कन्वर्ट होती है तो $100 का मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो कितना ज्यादा इजी फॉर्मूला है, आप आराम से इससे अच्छा खासा गाइस ट्रैफिक, क्वालिटी ट्रैफिक इजी ला सकते हो। देखो अब ये क्यों हुआ ये भी बता दूं, देखो मैंने फेसबुक एड्स के ग्रुप में फेसबुक की चीज दी है, तो आपको ये भी सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। जब आप ये सारी चीजें समझ के स्ट्रेटेजी बना के काम करोगे, तब आपके पास लीड्स फ्री में काफी तेजी से आएंगी। ये सिर्फ मैं फेसबुक का बता रहा हूँ, आपके पास और भी वेज हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया। ये सारी स्ट्रेटेजीज अगर आप सीख लेते हो इन सब के ऊपर कि कैसे स्ट्रेटेजीज काम करती हैं,
फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ एक किसी एक पे इतना ज्यादा मास्टरी हासिल करो कि आप वहां से ट्रैफिक इजी गैदर कर सको, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना कि आपको एक सेटअप की जरूरत पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन पे ले जाना है गेम। अगर आप दिन भर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। अभी देखो मेरा सारा काम ऑटोमेशन पे है, बहुत कम ही काम मैं मैनुअल कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपको फास्ट रिजल्ट आते हैं, आपकी चीजें सेल होती हैं और एक्यूरेट काम होता है। तो गाइज ये एक तरीका था फेसबुक का। अगर आप बोलोगे और भी चीजों पे बनाना वीडियो, तो मैं आपके लिए और भी चीजों पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे दो तीन जगह पर स्ट्रेटेजीज पता है कि कैसे काम करती है, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है कि कैसे ऑटोमेशन पे चीजों को ले जाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे ऑटोमेट करना है कि फेसबुक आपको खुद ही ईमेल दे, ये सारी चीजें आपको करनी है। ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स पे कैसे काम करते हैं, कैसे ग्रुप का एसईओ करते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ट्राफिक मास्टरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपको अभी से काम करना है तो फेसबुक पे काम करना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, इससे आपको फ्री ट्राफिक आते जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आप मेरे फ्री वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड पार्टिसिपेट करो मेरे फ्री वेबिनार में, जहां आपको और भी मैं वैल्यू देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। और थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो गाइज प्लीज आपको सिर्फ शेयर का बटन दबाना है और अपने किसी एक दो फ्रेंड के साथ व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, जहां आप चाहो वहां शेयर कर दो। बिकॉज हमारा जो मेन गोल है अभी वो है 20 के सब्सक्राइबर हिट करना। तो गाइज प्लीज आप ये चीज जरूर करें। और क्या चीज आपको जरूरत है, कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं, वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।